तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो और इसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में अगर मूव करते हो, आपको लगता है नहीं यार गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं है या उसमें इतनी अर्निंग्स नहीं है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब का वेरिफिकेशन होगा या वो एक्सपीरियंस वैलिड होगा कि नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर में, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट जॉब का फंडा होता है वो एकदम डिफरेंट है और प्राइवेट सेक्टर का जो रूल्स रेगुलेशन या फंडा जो है वो एकदम डिफरेंट है दोनों जगह। तो होता क्या है बेसिकली कि जब किसी पर्सन को एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो जितनी जल्दी से वो छोड़ता नहीं, प्राइवेट सेक्टर में मूव नहीं होना चाहेगा। तो कल का किसी को नहीं पता, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए गवर्नमेंट जॉब में, हो सकता है उसमें कुछ स्टे लग जाए, हो सकता है आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, फायर कर दिया जाए, तो वो चीज़ किसी को भी नहीं पता। और बहुत से लोग टर्मिनेट हुए हैं, बहुत से लोगों को नौकरी से निकाला गया जो कि गवर्नमेंट जॉब में भी वर्किंग होते हैं। जब वो कुछ मिसबिहेव करते हुए पकड़े जाते हैं, कहीं कुछ उन्होंने फ्रॉड किया है, तो ऐसे लोग वहाँ से टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। तो वो फिर इन द लास्ट क्या होता है कि नहीं, उनको एटलीस्ट अर्निंग तो चाहिए, पैसे तो चाहिए, तो वो क्या करते हैं प्राइवेट सेक्टर में मूव करने की कोशिश करते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो भी आप गवर्नमेंट में जिस भी किसी पोजीशन पे हो, अब मान लो अगर आप आईटी में जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट में भी होती हैं, तो वो उससे रिलेटेड ही आप जॉब सर्च करोगे प्राइवेट में, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस भी रिलेटेड है उसी से। जब एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो उसके रिलेटेड ही आप जॉब सर्च करते हो। इसके बाद होता क्या कि आपका आप उसमें एक्सपीरियंस भी डालते हो। सपोज आपने 5 साल काम किया गवर्नमेंट सेक्टर में और किसी रीजन से आप बाहर हो गए, तो अब जब गवर्नमेंट सेक्टर से मूव होते हैं प्राइवेट में, तो वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, अपना वेरिफिकेशन कराते हो, तो उसके साथ साथ आप एक्सपीरियंस भी सबमिट करते हो। अगर आप जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हो और गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस आपको नहीं लगाना है, तो आप वो एक्सपीरियंस लेटर स्किप कर दो, उनको दिखाओ मत कि हाँ मैं यहाँ पे वर्किंग था, ये सारी चीज़ें थी। आप अपना नया पीएफ वगैरह क्रिएट कराओ, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दो, बट उसमें भी कुछ परसेंट चांसेस होते हैं क्योंकि अभी सारा रिकॉर्ड एक ही जगह हो रहा है। आपको पता है आधार कार्ड से सारी डिटेल आपकी चेक हो सकती है, तो मीन्स हो सकता है आपका गवर्नमेंट एक्सपीरियंस डेटा सारा कुछ निकल आए, बट ये सारी कंपनीज के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा गवर्नमेंट सेक्टर से बाहर आ गया तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं कर रहा, ये ज़्यादातर होता है एमएनसीज कंपनी में। हो सकता है आप उनमें अप्लाई ना कर पाओ, बट जो छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं, कोई 15-20 एम्प्लॉयज़ की कंपनी है जहाँ पे 50-100 एम्प्लॉय हैं, 200 एम्प्लॉय, तो वहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल सकती है। अगर वहाँ पे आपका वैलिड एक्सपीरियंस है, सारा कुछ आपको ओके लगता है, तो आप एक्सपीरियंस सबमिट कर सकते हो, अदरवाइज आप उस एक्सपीरियंस को हाइड कर दो, बताओ मत। इंटरव्यू के टाइम पे बता दो कि हाँ मैं यहाँ पे वर्किंग था, बट मेरे पास कोई भी ऐसा डेटा प्रूफ है नहीं, या कोई भी ऐसा ज्वाइनिंग लेटर कुछ भी अभी नहीं है। आप वो कुछ भी रीजन बता सकते हो कि इस वजह से वो मिसप्लेस हो गए या खो गए, किसी भी तरीके का आप वहाँ पे वो बोल सकते हो। बट अगर एक्सपीरियंस की बात आती है, आपने सबमिट किया तो 100% एक्सपीरियंस होगा, और इन सब चीज़ों से अगर आप पकड़े गए फ्रॉड स्कैम वगैरह का, तो जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है आप उसमें ट्राई करो और वहाँ से आपको जॉब मिले। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।